क्या आप बिजनेस करते हैं? क्या आप मैन्युफैक्चरर हैं? क्या आप ट्रेडिंग करते हैं? आप सामान को यहाँ से लेकर वहाँ बेचते हैं, या फिर आप सर्विसिंग करते हैं, या फिर सर्विस देते हैं? अगर आप इसी से रिलेटेड अपना बिजनेस करते हैं, तो मैं आज आप लोगों को दो ट्रिक बताता हूँ जिससे आपकी बिजनेस जो है उनको पर लग जाएंगी और वो काफ़ी ज़्यादा उड़ने लगेगी। तो स्टार्ट करता हूँ बिना बकवास के। तो आप सभी जानते हैं कि WhatsApp से क्या क्या आज के ज़माने में हो जाता है, जिसकी वजह से आपको हर चीज़ की तकलीफ़ का सामना करना नहीं पड़ता है। तो WhatsApp एक ऐसी चीज़ है जो आपकी कस्टमर को आपके ज़्यादा करीब लाती है और कस्टमर को आपकी डिटेल जो है उनको प्रोवाइड कराती है। तो WhatsApp पे एक ऑप्शन आता है ब्रॉडकास्ट का। अगर आपको ब्रॉडकास्ट के बारे में नहीं पता है, तो मैं आपको सही से समझाना चाहता हूँ कि जैसे आप WhatsApp पे ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं, एक ग्रुप में कम से कम 10 से 20 लोग रहते हैं, जिस पे हर एक व्यक्ति जो अगर कोई भी मैसेज करता है तो सारे लोगों को जाता है। लेकिन यहाँ पे ब्रॉडकास्ट में क्या होता है, अगर आप ब्रॉडकास्ट अपने आप बनाते हैं, अपने बिजनेस का ब्रॉडकास्ट बनाते हैं, तो फिर आप एक मैसेज करेंगे आपका 10 कस्टमर के पास, मतलब जितना भी आपका कस्टमर उसमें ऐड होता है, वो सारे कस्टमर को आपका वो नोटिफिकेशन या वो फ़ोटो या फिर वो बिजनेस ऑफ़र या कुछ भी, वो एक साथ सभी को जाता है। और कोई भी आपको अगर रिप्लाई करता है तो वो रिप्लाई किसी और बंदे को नहीं जाता है। इसे हम कहते हैं ब्रॉडकास्ट। अगर आप ये कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो आपको एक ब्रॉडकास्ट ज़रूर बनाना होता है। आपके बिजनेस में जो आपका कस्टमर्स है, उसके कस्टमर्स को कांटेक्ट में डालकर ब्रॉडकास्ट में ऐड करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो ये था नंबर दो। नंबर एक पे हम बात करने वाले हैं गूगल मैप। आज के ज़माने में कौन नहीं जानता कि गूगल मैप हमारे लिए क्या बन चुका है। तो लेकिन ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि गूगल मैप जिसके शॉप है, जिसके रोड के ऊपर में शॉप वगैरह है, वही गूगल मैप ही यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप गूगल पे रजिस्टर्ड अपना कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, चाहे आप घर पे बैठे ही क्यों ना कर रहे हो। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो कि एक जगह से आप माल लेकर किसी और जगह पे आप माल सेल कर रहे हो, तो भी गूगल इस पे काफ़ी हेल्प करता है। गूगल पे रजिस्टर्ड करना काफ़ी ईजी होता है। आप अगर किसी और के YouTube वीडियोस में देखेंगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा। पहले मैं भी ये सब नहीं कर सकता था, बट मैं भी YouTube में काफ़ी सारा वीडियोस देख के मैं अपने बिजनेस को जो है आज लिस्टेड कर चुका हूँ अपने Google मैप में। अपना एक ब्रॉडकास्ट भी है WhatsApp पे, जिसमें मेरा कम से कम 1500 से 1600 लगभग मेरे कस्टमर जो है वो रहते हैं। तो इतना सारा कस्टमर्स आप अगर एक WhatsApp पे रखते हैं तो काफ़ी मज़ा आता है इस बिजनेस को करने के लिए। क्योंकि बिजनेस करना देखिए आसान नहीं होता है। बिजनेस करने के लिए बिजनेस को ईजी करना पड़ता है, और ईजी करने के लिए मेरे हिसाब से अभी आज के ज़माने में तो यही दो ऑप्शन मेरे लिए बेटर होते हैं। क्योंकि मैं गूगल मैप से मुझे कस्टमर कॉल करते हैं और मैं उस कस्टमर का नंबर मैं अपने ब्रॉडकास्ट में ऐड करता हूँ। फिर इन फ्यूचर में मैं कोई भी अगर मैं किसी को ऑफ़र देता हूँ या फिर मैं अपना सामान का रेट उनको भिजवाना होता है, तो मैं सारे कस्टमर को सिर्फ ब्रॉडकास्ट में मैं एक ही ब्रॉडकास्ट में इंसान को मैं मैसेज करूँगा, और वो मैसेज जो है सारे कस्टमर को चले जाएंगे, और वो कस्टमर जो है अपने देखकर वो रिप्लाई भी करेंगे तो किसी और को नहीं जाएगा, वो रिप्लाई सिर्फ मुझे जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि गूगल और व्हाट्सअप कैसे यूज़ करके आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर आप किसी से शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो पे, तब तक के लिए।